सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में इस पद को पाने के लिए लठमार होली खेली जा रही है। सुनवाते हैं आपको उनका बयान। रोकने और महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष बांटने पे जिस तरह से रोक लगाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब महाशिवरात्रि पे रुद्राक्ष नहीं बटेगा तो कब बटेगा? प्रदीप मिश्रा जी की कथा में लोगों की संख्या देखकर बीजेपी शासन प्रशासन घबरा गया। उपाध्यक्ष का पद तो विपक्ष को मिलना चाहिए, क्योंकि ये परंपरा रही है। अभी इनके यहाँ इतना द्वंद्व है कि इनको समझ में नहीं आ रही कि एक बड़ी मुश्किल से पद आने की स्थिति हो रही है। जो वरिष्ठ नेता बचे हुए हैं 8-10 जिनको मंत्री नहीं बनाया, उनमें किसको दिया जाए, और लठमार चल रहा है उस मामले में भी। तो सिंपल सा मामला है जो परिपाटी चली आ रही है कि विपक्ष को देना चाहिए। कमलनाथ जी से बात करके उपाध्यक्ष का पद विधानसभा में कांग्रेस को दे देना चाहिए। इधर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव स्थगित होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और कमलनाथ अफवाह फैला रहे हैं। सवाल कमलनाथ जी का है, माननीय कमलनाथ जी ने क्या महाराज जी से बात की है? क्या नहीं की है? कोई तथ्यों की जानकारी ली है? क्या नहीं ली है? प्रशासन में कहीं बात की है? क्या सिर्फ ट्विटर पर बैठकर अफवाह फैलाना माननीय कमलनाथ जी, वो भी चलती कथा में विघ्न डालने जैसा ही है। अब कोई भ्रम की स्थिति है ही नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्थाओं से महाराज जी ने स्वयं की संतुष्टि बताई। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कल सुबह ही कह दिया था कि पूरी व्यवस्था की जानकारी लो, और जानकारी ली। अब जब कोई दिक्कत है ही नहीं है तो काय के लिए ट्वीट करना, और काय के लिए आप अफवाहें फैला रहे हो माननीय जी।